everyone. In previous video, we have just learned about the introduction of nutrition in animals. कि किस तरह से जो organisms अपना खाना लेते हैं या क्या क्या चीजें वो करते हैं या किस किस चीजों के लिए क्या क्या reasons होते हैं क्या क्या processes के लिए उनको जो है खाने की नीड होती है. सो हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड टॉपिक या फिर बोले कि इसका थोड़ा सा आगे से प्रोग्रेशन है वहीं से स्टार्ट करेंगे. दैट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं. एनिमल्स के अंदर जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, एक सिंगल मोड को वो यूटिलाइज करेगा और वो मोड को हम बोलते हैं होलोजोइक. होलोजोइक हमें क्या सजेस्ट करता है? होलोजोइक सजेस्ट सिंगल थिंग दैट जो भी ऑर्गेनिज्म है और अगर वो अपना खाना खा रहा है तो उसको खाना खाने के लिए एक चीज चाहिए, दैट इज द माउथ. माउथ के बिना वो खाना नहीं खा सकता है. तो अगर मेरा होलोजोइक है तो ये उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म है और वही ऑर्गेनिज्म अपना खाना खा रहा है बाय द हेल्प ऑफ एन माउथ. उसके पास एक माउथ होना चाहिए, बोला जाए तो एक एलिमेंट्री कैनाल होना चाहिए. एलिमेंट्री कैनाल भी इसे हम बोल देते हैं या फिर सेकेंड थिंग जो है इसको हम कभी कभार जो है गट के नाम से भी जानते हैं. दैट उसके पास एक प्रॉपर जो है वेल डिफाइंड गट होना चाहिए. गट जो है एक पैसेज प्रोवाइड करेगा किसी भी खाने को, किसी भी फूड मटेरियल को, जहाँ से कैसे कैसे किस किस डायरेक्शन में मूव करना है. तो स्टार्टिंग विद दी हम जो है होलोजोइक के बारे में बात करते हैं. ये तो मेरे पास था पहला मोड, ठीक है. फर्स्ट मोड था न्यू होलोजोइक का, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने को यूज करेगा. अब इसी के अंदर देखा जाए तो न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे एनिमल्स जो है अगर हम देखते हैं, एनिमल्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं. तो एक वर्ड यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी, हेटरोट्रॉपिक होते हैं. जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करेंगे. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं मीन्स हम लोग जो हैं वो क्या हैं, एक हेटरोट्रॉप्स हैं. हम लोग जो हैं एक हेटरोट्रॉप्स के फॉर्म में यहाँ पे काम करेंगे. जब हम लोग जो हैं हेटरोट्रॉप्स हैं, हेटरोट्रॉप्स कौन क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो डिपेंडेंट होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर ओन फूड. मतलब खुद के ही खाने के लिए वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं. हेटरोट्रॉप्स में ही फर्दर जो है अलग अलग तरीके की जो है मोड्स आ जाते हैं कि किस किस तरीके से मोड आएंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना पैरासिटिक मोड. अगर ये सारी चीज़ें प्लांट्स के अंदर होती हैं तो सेम टाइम पे यही सारी चीज़ें जो है मेरे पास एनिमल्स में भी होती हैं. सेकेंड मेरे को बोलता है स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है. एंड देन थर्ड मेरे पास देखा जाए तो यहाँ पे और भी बहुत सारे आते हैं, कैटेगराइज करते चले जाएंगे वन बाय वन. सो सबसे पहले हम जो है पैरासिटिक मोड के बारे में बात करते हैं. पैरासिटिक मोड पे देखा जाए तो हमें क्या चाहिए है, हमें बेसिकली एक पैरासाइट चाहिए है. और जब हमें जो है बेसिकली एक पैरासाइट चाहिए, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होगा जो किसी भी जो लाइव करता है ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म, वो होस्ट की ऑर्गेनिज्म के ऊपर लाइव करेगा, उसकी बॉडी पे सर्वाइव करेगा, इसको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है. एंड बेसिकली जो है उसको नुकसान भी पहुंचाएगा, हार्म भी करेगा. हार्म किसको करेगा, ऑन दी होस्ट ऑर्गेनिज्म. मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ही रह रहा है एंड उसको हार्म भी कर रहा है. एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. हमारे मॉम डैड भी हमें बोलते हैं कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे जो है सर में जुएं पड़ जाती थी. तो सिंपल जो है वो जो लाइस है जो हमारी बॉडी के ऊपर रह रही है या हमारे हेयर्स में या हमारे हेड के अंदर रह रही है, वो एक पैरासाइट है. सिंस इट इज बीइंग लिविंग ऑन आवर बॉडी, हमारी बॉडी पे रह रही है और हमारी ही बॉडी से हम ब्लड कंज्यूम कर रही है. एंड कोरिलेशन करें तो हमें तो एक किसी भी तरह का बेनिफिट या कोई प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड कर रही है. हमें जो है ये सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल चीज़ें जो है प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है. तो ये तो हो गया पैरासाइट. पैरासाइट फर्दर जो है मेरे पास दो तरह के होते हैं. एक तो हो गया एक्टोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट हो गया, इसको नाम से देखेंगे पैरासाइट जो कि एक्टो का मतलब होता है आउटर बॉडी. हमारी बॉडी से जो बाहर रहते हैं, बॉडी के जो है आउटर रीजन में रहते हैं, उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट. दूसरा मेरे पास होता है एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट वो होता है ऑर्गेनिज्म जो मेरी बॉडी के अंदर रह रहा है, इनसाइड दी बॉडी. अगर वो बॉडी इनसाइड दी बॉडी में, बॉडी के अंदर रह रहे, तो उसको हम बेसिकली बोलेंगे एंडोपैरासाइट.
ये तो हो गया मेरे पास पैरासाइट का, कि पैरासाइट के भी एग्जांपल्स हम बात करेंगे, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में जो भी हमने लाइस का एग्जांपल लिया वो आ जाएगा, और एंडोपैरासाइट्स में हमारे जो है अर्थवर्म्स भी हो जाते हैं, कभी कभार रहते हैं, फिर हमारे पास रिंग वर्म्स होते हैं, बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, बहुत अलग अलग तरह के वर्म्स हैं जो कि हमारे बेसिकली जो डिजीज कॉज करेगा, ये ऑल्टरनेटिवली हमें कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगा। देन नेक्स्ट पे आते हैं, फिर बात करते हैं अपने स्कैवेंजर्स के ऊपर। स्कैवेंजर्स जो है क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेगा। ये फीड करता है तो किसके ऊपर? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, कि जो भी चीज़ मरी हुई है उनके ऊपर अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फीड ऑन कर रहा है तो उनको क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स। एक बेसिक एग्जाम्पल है इसका अर्थवर्म। आपने देखा भी होगा समटाइम्स कि क्या होता है, जो है अर्थवर्म जो है कोई भी चीज़ मरी हुई है, मरी हुई चीज़ के ऊपर जो है फीड ऑन करेगी। डेड है वो बॉडी, डेड उसके ऊपर जाएगा एंड देन मरी हुई चीज़ों को खाता है। हम चील को देखते हैं, ईगल है, ईगल भी एक स्कैवेंजर है, मरी हुई चीज़ों को खाता है। तो ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो अलग अलग तरीके से अपना खाना गेन करते हैं। तो ये तो बात रही मेरे पास होलो, थोड़ा सा इसको फिनिश करने से पहले इसको जो है मैं समराइज कर देती हूँ। मॉडर्न न्यूट्रिशन में बात करी है आज हमने, और उसके बारे में बात करी है हमने होलोजोइक के बारे में। होलोजोइक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी माउथ को यूज करेंगे, मींस उनको एक चीज चाहिए जहाँ से खाना जो है उनकी बॉडी के अंदर जा सके। सेकेंड, एलिमेंट्री कैनाल चाहिए, गट चाहिए, ये पैसेज प्रोवाइड करेगा जहाँ से मेरा खाना जो है मेरी बॉडी के अंदर अच्छे से जा सकता है। देन आते हैं उन एनिमल्स पे, या फिर हम लोगों पे बात करते हैं। बेसिकली हम जब अपने बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या हैं? हेटरोट्रॉप्स, ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं हम लोग। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खुद के खाने के लिए, जैसे हम लोग जो है अपने ही खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक हम लोगों को सब्जी नहीं मिलेगी तब तक हम खाना नहीं खा सकते। सिमिलरली अब जब तक हम लोगों को मीट नहीं मिलेगा हम लोग खाना नहीं खा सकते। इवन हम नॉन वेज है या वेजिटेरियन है, उन दोनों चीज़ों के लिए हमें कोई एक चीज़ चाहिए, और वो चीज़ हम हेटरोट्रॉप्स के थ्रू बनते हैं। देन आते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड में भी दो तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आ गया पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहता है कि इसमें जो है एक पैरासाइट होता है जो होस्ट की ऑर्गेनिज्म की बॉडी, होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहेगा, होस्ट की ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहेगा एंड देन उसी को नुकसान पहुंचाएगा, उसी को हार्म करेगा। बेसिकली फिर दो पार्ट में आते हैं एक्टो पैरासाइट। एक्टो का मतलब होता है आउटर बॉडी, मतलब बॉडी के ऊपर रहेगा, सतह पे हमारी स्किन के ऊपर रहेगा। सेकंड होता है एंडो पैरासाइट जो हमारी बॉडी के अंदर रहेगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, डॉग्स हो गया या आपका हो गई बफलो हो गई, इनकी बॉडी के ऊपर टिक्स होती हैं छोटी छोटी एंड उनको बेसिकली इरिटेट करेंगी, उनसे जो है ब्लड वो यूज़ करती हैं लेती हैं। तो वो मेरे पास एक एग्जाम्पल है एक्टो पैरासाइट का। और सेकंड चीज़ अगर हम देखें एंडो पैरासाइट का, तो यहाँ पे क्या है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म्स हो गया, रिंग वर्म्स हो गए, ये सारे वो वर्म्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जा कर के हमें जो है नुकसान पहुँचाते हैं, और ये जो है अल्टरनेटली डिजीज कॉज करेंगे। सेकेंड फिर लास्टली के बारे में, लास्ट के बारे में बात करेंगे स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर खाना खाएंगे, ठीक है। और जब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे खाना खा रहे हैं, मतलब मरी हुई चीज़ है, कोई किसी की भी डेड बॉडी पड़ी हुई है उस डेड बॉडी के ऊपर खाना खा रहे हैं। मोस्टली देखा होगा चीटियाँ भी यही करते हैं, जो हमारी आंट होती हैं वो भी यही करती हैं। अगर उनको कहीं कॉकरोच है, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म दिख रहा है पड़ा हुआ, तो सारी की सारी जो है मेरी जितनी भी आंट होगी वो वहाँ कलेक्ट हो जाती है एंड उसकी पूरी बॉडी को उठा करके ले जाती है एंड उसी के ऊपर वो जो है फीड ऑन करेगी, तो उसको बोलते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। अब बेसिक यहाँ पे जो एग्जांपल उसने लिया है अर्थवर्म का। सो दिस बाय दिस मेरी हम जो अपनी क्लास एंड करेंगे, और आज की क्लास में यही इतना सा ही टॉपिक हम जो है रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़। सो बाय दिस वी एंड्स आवर लेक्चर हियर।